दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का आज छठा दिन है। छठे दिन की शुरुआत नियम संख्या 280 विशेष उल्लेख के साथ हुई। बीजेपी और आपके विधायकों ने राजधानी की समस्याओं के बारे में सदन को अवगत कराया। वहीं चंडीगढ़ मेयर चुनाव प्रकरण पर भी अल्पकालिक चर्चा की गई। वहीं सीएम केजरीवाल ने भी सदन को संबोधित किया, जिसके बाद सीएम केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जीत के बाद बीजेपी पर जमकर बरसे। आइए सुनते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से पूरी दुनिया को एक भरोसा दे रहे हैं कि जब जब पृथ्वी के ऊपर अधर्म हावी होगा, तब तब भगवान उत्पन्न होंगे और अधर्म से मानव जाति को बचाएंगे। आज हमारे देश के अंदर जो हालात हैं, इतना ज़्यादा अधर्म हो गया, इतना ज़्यादा अधर्म हो गया है। खुलेआम MLAs को खरीदा जा रहा है, खुलेआम सरकारें गिराई जा रही हैं, जितने भ्रष्ट लोग हैं उनको अपनी पार्टी में ये लोग शामिल करके उनको वो सत्ता का सुख भोग रहे हैं। लोगों के लिए स्कूल बनाने वाला मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, लोगों के लिए अस्पताल बनाने वाला सतेंद्र जैन जेल के अंदर है। चारों तरफ हाहाकार है, लोग बहुत दुखी हैं, और इन लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस है कि 370 सीट लेके आएंगे। वो खुलेआम कह रहे हैं, हम तो 370 सीट ला रहे हैं, इस देश के 140 करोड़ लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है। तुम अपना घर बैठना, तुम्हें वोट डालनी है डालनी, नहीं डालनी मत डालना, तुम्हारी हमारी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे वोट की हमें ज़रूरत नहीं है, लोगों के वोट की हमें ज़रूरत नहीं है। खुलेआम कहा जा रहा है कि 370 सीटें आ रही हैं हमारी। कैसे? कुछ ना कुछ तो हो गया है, कुछ ना कुछ तो सेटिंग कर लिया, चाहे EVM में करिए, कहाँ करिए, पता नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं अब इस देश के लोगों की, इस जनतंत्र को जरूरत नहीं है। इतना अधर्म हो गया, भगवान श्री कृष्ण ने तय किया है कि वो सीधे तौर पे हस्तक्षेप करेंगे। तो जो ये पूरा चंडीगढ़ चुनाव हुआ, चंडीगढ़ चुनाव के अंदर ये कोई इत्तफाक नहीं था कि उस दिन कैमरे के अंदर इनकी कुकर्म, इनकी कारस्तानियां, गलत कारस्तानियां कैमरे के अंदर कैप्चर हो गई। उस दिन हमने देखा वीडियो के अंदर सारे चिल्ला रहे हैं ये कैमरे हटाओ, कैमरे हटाओ, कैमरे नहीं हट पाए उस दिन, सब कुछ कैप्चर हो गया। क्यों? वहां पे भगवान मौजूद थे, भगवान ने कैमरे हटने नहीं दिए, इनके सारे कुकर्म कैप्चर हो गए। और कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पूरा फैसला सुनाया गया, ऐसा लगा जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जिह्वा के ऊपर उनके अंदर भगवान मौजूद है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जरिए भगवान बोल रहे हैं। पूरे देश का एक बार विश्वास जागा, जो देश ये समझने लगा था कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, लोगों को लगने लगा कि बीजेपी भी हार सकती है। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हार सकती है तो बीजेपी बड़ा चुनाव भी हार सकती है। तो इस वक्त अधर्म इतना ज़्यादा हो गया है, मैं देश के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि भगवान ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आ गया हूँ, मैं आपके साथ हूँ, आप अपना कर्म करो, कर्म करने में पीछे मत हटना, आप अपनी आवाज़ उठाओ, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाओ, आप वोट डालने के लिए जाओ। कुछ लोग इसलिए वोट डालने नहीं जाते, यार EVM में गड़बड़े, मैं वोट डाल के क्या करूंगा, वो सब ठीक हो जाएगी, करेंगे ठीक, भगवान करेंगे ठीक, लेकिन तुम वोट डालने जरूर जाओ, सब लोग वोट डालने जाओ। और कल के उसके वृत्तांत के बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि अनिल मसीह जो है, उसने जो गड़बड़ की उसकी सजा के लिए तो ऑर्डर हो गए हैं, लेकिन वो तो प्यादा था, उसके जो मास्टरमाइंड हैं, उसके जो मालिक हैं, जिन्होंने आदेश दिया ये सारा जनतंत्र का चीर हरण करने का, जनतंत्र का की ऐसी तैसी करने का, सजा उनको मिलनी चाहिए और उनके ऊपर देशद्रोह का मामला चलना चाहिए। जो व्यक्ति इस देश के जनतंत्र के खिलाफ के साथ खिलवाड़ करेगा वो देशद्रोह कर रहा है। अगर आपके एक दो क्वेश्चन है, हमारे पार्षदों को फोन आ रहे हैं, हमारे पार्षदों को सीधे से तो अभी भी फोन आ रहे हैं कि भाई कितने लोगे, कितने क्या करोगे, कैसे करोगे। सर, सर किसान के, केंद्र सरकार लगातार बातचीत कर रही है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि अभी तक सीधे सीधे किसान हमारे अन्नदाता हैं, किसान सबसे ज्यादा मेहनत करता है, पसीना बहाता है, रात दिन मेहनत करता है, सर्दियों के अंदर, गर्मियों के अंदर, बरसात के अंदर हमारे लिए अन्न उगाता है। उनकी जो भी, वो गरीब है, अमीर तो नहीं है ना किसान, ऐसा तो नहीं कि बड़े बड़े बंगले बना के बैठे हैं किसान, इन लोगों ने तो बड़े बड़े बंगले बना रखे हैं नेताओं ने, किसान की बात क्यों नहीं मानते, किसान की नाजायज, किसान की मांग क्या है, किसान कह रहा है मेरी फसल का मेरे को पूरा दाम मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, उसकी बात क्यों नहीं मानते, किसान को ये क्यों करना पड़ रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।